हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का। आज हम परतदार नमक पारे बनाएंगे और इसे हम गेहूं के आटे से बनाएंगे। इसमें हम जरा भी मैदा मिक्स नहीं करेंगे, ना ही सूजी। हम बस इसे गेहूं के आटे से बनाएंगे। ये बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी बनती है और ये आप एक महीने तक स्टोर कर सकते हैं। सफ़र के दौरान इसे ले जा सकते हैं। आप एक बार बनाइए और एक महीने तक आराम से खाइए। खाने में बहुत टेस्टी लगती है। चाय के साथ तो इसका जायका और बढ़ जाता है। आप इसे सॉस के साथ भी खा सकते हैं। देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है। इसका परत भी देखिए, एकदम एक एक परत खुल जाता है और बहुत ही क्रिस्पी बनती है। तो चलिए हम इसे बनाते हैं। तो यहाँ मैंने एक अच्छा सा मिक्सिंग बॉल ले लिया, बड़ा सा लिया, और मैंने एक बॉल गेहूँ का आटा लिया है। इतने ही आटे से आपके बहुत सारे नमक पारे बन जाएंगे। थोड़ा मैंने इसमें नमक लिया है, आधा टीस्पून के बराबर, और ये मैंने अजवाइन लिया। अजवाइन को थोड़ा हाथों के बीच ऐसे घिस ले, इससे इसका फ्लेवर दुगुना हो जाता है और अजवाइन से नमक पारे में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और मैं यहाँ पे लूँगी थोड़ी सी कलौंजी, इससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। और हम डालेंगे यहाँ पर रिफाइंड ऑयल, या फिर कोई भी ऑयल आप डालें। मैं यहाँ रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। तो यहाँ मैं रिफाइंड ऑयल डाल दिया है मैंने 2-3 चम्मच। तो अब हमें क्या करना है ना, इसे एक आटा लगाना है, गूंथना है पानी डाल के। तो पहले ना आप ये प्रोसेस ज़रूर करें। आप हाथों से इस तरीके से तेल और आटा को एकदम मिक्स कर लें, ताकि आटा के एक एक कोने में, मतलब पूरे आटे में तेल अच्छे से इस तरीके से मिक्स हो सके। तो ये प्रोसेस आप ज़रूर करें। तो यहाँ मैंने कर लिया है। अब मैं पानी डाल के इसे गूंथूँगी। तो गेहूँ का आटा थोड़ा ज़्यादा पानी सोखती है, लेकिन आप धीरे धीरे करके पानी डाल के इसका एक अच्छा सा डो बना ले। इतना सॉफ्ट, ये देखिए ना, गीली है, और जैसे हम पूड़ी का आटा लगाते हैं ना, वैसा लगाएं। और आप इसे आधा घंटा के लिए ढककर छोड़ दें, रेस्ट दे 30 मिनट का, तो ये अच्छे से सेट हो जाएगी। तो हम यहाँ पे ढक के छोड़ देंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट सेक्शन पर मुझे कॉमेंट करें। तो अभी हम इसे हाथों से एक दो बार मसल लेंगे इस तरीके से, और इसकी बड़ी बड़ी लोई तोड़ लेंगे। तो इतना बड़ा बड़ा आप लोई तोड़ ले, इससे बहुत सारे नमक पारे बनेंगे एक बोल गेहूं के आटे से। तो फिर हम इसे गोल करेंगे और अच्छे से, ये देखिए इसमें क्रैक्स भी नहीं है। तो आप सभी को ना हाथों से थोड़ा सा मसल मसल के गोल बनाएं, ताकि इसमें क्रैक्स ना रहें। क्रैक्स रहेंगे ना तो फिर वो शेप देने में हमें परेशानी। तो इस तरीके से देखिए, जैसे रोटी के लिए लोई बनाते ना, उस तरीके से। तो अभी मैं ये एक बॉल लिया है मैंने कांच का, आप स्टील की भी ले सकते हैं। इसमें मैंने गेहूं का आटा लिया है थोड़ा सा, और देसी घी लिया है। इसे ना हमें मिक्स करके एक पेस्ट की तरह बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिक्स करके अच्छे से एक पेस्ट के फॉर्म में लाएंगे। तो ये देखिए, जैसे जैसे मिक्स करेंगे ना, तो ये एक पेस्ट बन जाएगा। तो पेस्ट बन के हमने उसे साइड रख लिया। तो एक आटा का पेड़ा हम इस तरीके से उठाएंगे और इसे बेलेंगे, जैसे हम अपनी रोटी बेलते हैं उस तरीके से बेलेंगे। इसे आप गोल बेल ले, ज़्यादा गोल ऐसा ज़रूरी भी नहीं है, बस पतली बेल ले, और जो किनारे हैं ना उसे भी इक्वल, मतलब पतला बेलें, मोटी ना रखें। तो इस तरीके से हम गोल रोटी के शेप में से बेल लेंगे, और जो हमने पेस्ट बनाया था ना गेहूं का आटा और घी का, उसे हल्के से ऐसे डालेंगे और उंगलियों की सहायता से, उंगलियों से अच्छे से फैला देंगे, मतलब एकदम कोट बना देंगे एक लेयर। तो इस तरीके से आप थोड़ी सी लेके उंगली से अच्छे से फैला के सभी तरफ अच्छे से लगा दें। और अभी हमें क्या करना है ना, मैंने देखे उंगलियों से इसे लगा दिया, एकदम टाइट एक रोल बनाना। तो इस तरीके से आप उठाएं एक किनारे को और एकदम टाइट इसे रोल कर ले। तो यहाँ मैंने अच्छे से टाइट रोल कर लिया है। अब क्या करेंगे, हमें इसे इस तरीके से कर लेना है, टाइट रोल बनाना है आपको, इस बात का ध्यान रखें। और एक चाकू की सहायता से हम इसे इस तरीके से काटेंगे फटाफट। तो यहाँ मैंने काट लिया है चाकू की सहायता से। अब हम इसे अलग कर लेंगे, नहीं चिपकेगी, आप उसके लिए बेफिक्र रहें। अब हम जो काटा है ना, तो हम इसे एक प्लेट में रख लेंगे इस तरीके से। अभी आगे प्रोसेस क्या करना है हमें, तो ये देखिए मैंने सबको इस तरीके से कर लिया है। ये करना बहुत आसान है, तो आप इस तरीके से करें, उसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ। तो इस तरीके से हम एक उठाएँगे, एक जो हमने काट के रखा था, एक उठाएँगे और उसे हथेली से इस तरीके से प्रेस करेंगे और इसे बेलेंगे। इसे बेलने में कोई परेशानी नहीं होती, आराम से पतली सी बेल जाती है। तो आप इसे बेल ले, एकदम पूड़ी जैसा पतला बेलना है हमें। हाँ, तो पूड़ी जैसा। इसमें आपको सूखा आटा लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, आराम से बेल जाएगी। सूखा आटा लगाने से ये घूमता है, मगर तेल में आप डालेंगे ना, तो क्या होता है कि वो तेल पूरा आटा आटा जैसा हो जाएगा।
तो आप ना डालें, बस ऐसे उठा उठा के बेले आसानी से, जैसे पूड़ी बेलते हैं ना उस तरीके से बेले आप। तो पतला हमने बेल लिया है, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पेस्ट लेंगे या आटा और घी वाला पेस्ट, उसे उंगलियों की मदद से इस तरीके से लगाएं और फिर क्या करें ना, दूसरी उंगलियों से इसे इस तरीके से उठाएं जैसे पराठा फोल्ड करते हैं, जो तिकोन पराठा फोल्ड करते हैं ना वैसे उठाएं एक साइड से इस तरीके से, और दूसरी उंगली से, घी वाली उंगली से नहीं, इस उंगली में घी है ना, तो इस ऐसे इसे प्रेस करें बीच में और अच्छे से प्रेस कर दें, वरना तेल में ये खुलेगी। तो इस तरीके से हमने प्रेस कर लिया है, अब हम इसे पराठे जैसे ही फोल्ड कर देंगे तिकोन। तो ये देखिए, तो मैंने इसे कर लिया अच्छे से, अब हम इसे साइड में रख देंगे और सारों को ऐसे कर लेंगे। मैं आपको एक और करके दिखा देती हूँ, ये देखिए ये ट्राइंगल शेप में बन गया है ना, त्रिभुज शेप में। तो इसे हम रख लेंगे एक प्लेट में इस तरीके से। आप क्या करें ना, आपके लिए काम आसान हो जाएगा, पहले सारी पूड़ियाँ बेल लें और फटाफट फिर उसे शेप दे दें, तो क्या होगा कि आपका किचन में काम जल्दी भी हो जाएगा। किचन में अगर हम एक व्यवस्थित रूप से काम करते हैं ना, तो हमारा काम बहुत आसान, बहुत जल्दी होता है। तो सारी पूड़ियों का पहले बेल ले और फिर फटाफट शेप दे देते हैं। देखिए एक मैं और मैंने बेला, फिर हम इसे इस तरीके से चिपकाएंगे, बीच में से प्रेस करेंगे पूरे को और फिर फोल्ड कर देंगे। तो इस तरीके से आप फटाफट कर ले, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट में आप बहुत सारे इस तरीके से बना लेंगे नमक पारे, मतलब इसे निमकी भी कहते हैं हमारे इधर, इसे पाती निमकी, परतदार निमकी, परतदार नमक पारे ऐसे कहते हैं। तो तेल यहाँ गर्म है, आप तेल को गर्म कर ले, उसके बाद लो फ्लेम कर ले। लो फ्लेम पे सारी नमक पारे इस तरीके से डाल दे धीरे धीरे, सावधानी से डालें वरना तेल छिटक सकता है। मैं आपको एक और तरीका दिखाऊंगी डालने का। तो फिर आप इसे पलट पलट कर अच्छे से फ्राई कर ले इस तरीके से उलट पुलट के, ताकि ये ना चारों तरफ से सीख सके। तो इस स्टेज तक एकदम गोल्डन ब्राउन जैसा हो गया है ना, तो इस स्टेज में देखिए ये पक गया, तो थोड़ा और चला लेते। तो चला लिया है मैंने, इसे भूनने में बस हमें ना 5 मिनट से भी कम समय लगता है। तो आप इस तरीके से एक ले, हम लोग झंझड़ा बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, जिसे तेल पूरा झड़ जाता है ना, तो हम लोग इसे झंझड़ा बोलते हैं। तो इस तरीके से उठाएं ताकि तेल हमारा जितना है सब कढ़ाई में निकल जाए। तो आप एकदम सावधानी से इसे जितना इसमें समा पाए, जितना अट पाए इसमें, इतना निकाल लें। और तेल देखिए नीचे से तेल बूंद बूंद करके गिर रहा है, तो तेल वो कढ़ाई में चला जाएगा। तो इसे हम तेल ऐसे झाड़ के एक बार और फिर प्लेट में रख लेंगे। तो ये देखिए, और बाकी को भी हम आराम से उठा के इस तरीके से रख लेंगे। और एक प्रोसेस क्या है डालने का, मैंने बोला था ना, तो इसी झंझड़े में जिसे मैं निकाल रही हूँ ना, इसमें आप सारी कच्ची निमकियों को डाल दें, मतलब नमक पारों को, और तेल में डाल दें, तो फिर वो अलग अलग होकर भुन जाते हैं। आपको क्या करना, जब आपने निकाल लिया तो उसे पूरी तरह से ठंडा करना 1 घंटा तक, और फिर आप इसे 1 महीने तक स्टोर करके खा सकते। इसे बनाना बहुत आसान है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।